आज साल सी के दोनों जाट है जब 30 साल 35 साल आगे बता दो ही तो बीजेपी में हो बाप आगे बीजेपी में जीतेड़ो ए दोबरिया जीत गया शुरू जुले बहुत इज्जत करियांगी एक दफे टिकट नहीं देना एक घर छोड़ के दूसरे घर जाके बैठ गया तो बात थोड़ सी कोई वोट जुपन वाली मजबूत कैंडिडेट है वो देवेंद्र जाजड़िया ही है क्यों कारण भी है कि अपने देश को नाम रोशन करियो है और वो तो आपा नहीं दिखे कि एक हाथ को कैंडिडेट है पूरे देश को नाम रोशन कर सके तो वो अपने चुरू जिले को भी नाम रोशन कर सके निकल सके जीत तो कोई ज़्यादा लंबी को नहीं कोई 50,000 है 50 का माँ माँ रजनी है दोनों नाम मोदी फैक्टर है राहुल जी कसवा तो भी मोदी फैक्टर हो और अब जाजड़िया तो भी मोदी फैक्टर है लेकिन वर्तमान स्थिति के माँ आ है कि भाई राहुल कसवा कुछ हद नमस्कार दर्शकों मैं हूं केआरपी थे देख रहे हो केआरपी राजस्थान दर्शकों चुरू लोकसभा क्षेत्र की चुनावी यात्रा लगातार आपने जारी है और आज आपने चुनावी यात्रा पहुंची है सरदारसर विधानसभा क्षेत्र के गांव मालसर में मालसर गांव की चौपाल में गांव का बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं आऊँ आप बातचीत करा के क्षेत्र में चुनाव ने ले गए हवा है क्योंकि माहौल गर्म होता नजर आ रहा है पिछले क्षेत्र की बात करा तो के विकास कार्य देखने ने मिले वहाँ पर भी आप बातचीत कराऊंगा लगातार थे लोग इस वीडियो में बने रहो राम राम क्या नाम बताओ जी आपने जी एक आप बात करा चुनाव नजदीक आ रहा है जोरा पर है चूरू को चुनाव है जो के क्षेत्र में हवा फैल रही है के हवा सुनने मिल रही है चूरू क्षेत्र के भाई सुनने के मतलब के है कोई तो बैठो कह दे के बीजेपी की जीत है और कोई कह दे के कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है भाई फिर भी गांव गुवार दुकान पर बैठो की चर्चा सुने की हवा इन बिना जाओ हवा सुनो की मार तो ज्यादा हो ही है फिर नो इन और पूछ लियो अलबत बताओ तो सही थोड़ा बताओ तो अलबत बता दियोगे आपने अनुभव बता रहे होते आधा बीजेपी का है और आधा है कांग्रेस का आधा बीजेपी का आधा कांग्रेस है बराबर वोट बराबर वोट है आपने पंचायत में बराबर वोट गई 5-10 कम बेसी पड़ जाए तो ध्यान को नहीं बाकी जीता बीजेपी का ये कांग्रेस का एक बराबर है बोलो ना अच्छा माहौल की बात करा चूरू क्षेत्र को चुनाव है जोरा पर है की को माहौल क्षेत्र में सुनने में राहुल है भाई देखो राहुल को माहौल है ये बजो राहुल कसवा को माहौल है बजे जनता जाने भैया बापा नहीं तो के नो माहौल की बात करा थे माहौल ने बोल के बता पूछताज करा ने मान दो भाई सरदार सर हो रहा है इन्हें ने कह के भाई चूरू में 30,000 वोट आगे ले गया है अच्छा चूरू में 30,000 वोट है 30,000 वोट ले गया है राहुल अच्छा क्षेत्र में कितना वोट आऊं राहुल कसवा बाजी मारेगा 2-1 लाख वोट आऊं 2 लाख वोट आऊं बाजी मारेगा पिछली बार 3 लाख प्लस वोट हूँ बाजी मारी अब की बार इतना कम किया कम को तो जनता है तो जनता वोट कि नहीं गिर सके बन रहा थोड़े जनता को की ठापड़े तो कदी ने कदी भी ने जनता को की माहौल युवाओं पूछा राम 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 क्या नाम है जी राजकुमार अच्छा ए राहुल कसवा को माहौल बता रहे 2 लाख वोट हूँ बाजी मारे हो क्या कह रहे हैं देखो राहुल को ज्यादा बन रहा है माहौल राहुल को मैं तो बीजेपी को हूँ पर राहुल को बहुत काफी मारेगा मैं प्लस में ही है प्लस में ये है गांव की बात कर रहे हो अपना सरदारसर विधानसभा में राहुल कसवा ने कितना वोटा ऊपर निकाल देखो मारेगा में ऊपर है गांव में तो ऊपर रही राहुल अच्छा ऊपर रही एक अपना क्षेत्र में विकास पर बात करा तो क्षेत्र में अपना राहुल कसवा पीछे बीजेपी सांसद है के क्षेत्र में विकास कार्य देखने ने मिले मारेगा में अच्छो विकास करेड़ो जी अनिल जी को करेड़ो बी साबी राहुल को करेड़ो अनिल शर्मा को विकास करेड़ो बी साबी राहुल कसवा को विकास करेड़ो गाँव में विकास हाँ अच्छो काम करेड़ो चुनाव के बारे में आप बातचीत करा लोकसभा चुनाव चूरू को चुनाव है जो क्षेत्र में थोड़ी हवा तेज हो रही है चुनाव के और चुनाव चूरू को चुनाव थोड़ा गर्म नजर आ रही है के हवा क्षेत्र में सुनने मिल रही है की को माहौल नजर आयो आपकी बात हवा टक्कर की बता रहा है टक्कर की बता रहा है कोई भी निकल सके है? कोई भी निकल तो फिर अनुमान हुआ पक्का इसका एक आइडियो है के भी अनुमान दोनों की टक्कर है दोनों की टक्कर के ठा पड़ाएंगे पब्लिक को ठीक ठाक होनी पड़े कितने दे दिया के ठा है टक्कर को माहौल बता रहे माहौल टक्कर इनर मौके पर किसो ही निकल सके जीत तो कोई ज्यादा लंबी को नहीं कोई 50,000 है 50 का माँ माँ रजनी है दोनों नाम किसो ही जीतो टक्कर को होने को क्या कारण हो सके है क्या कारण हो सके टक्कर को माहौल होने कारण तो ये है कि वो जो बीजेपी वालों इन कैंडिडेट लड़ने लग गयो भी वास्ते वो टक्कर को बन गयो हर कोई और राज्य तो जो कोई टक्कर को नहीं बनती हो मतलब राहुल कसवा है जगह बीजेपी का कैंडिडेट है सांसद है पीछे कांग्रेस में आ गया बी की बजाय टक्कर को माहौल देखने को माहौल देखने को मिलेगा अच्छा राहुल कसवा कांग्रेस मानो बीजेपी को कोई नुकसान हो या फिर कांग्रेस को कोई फायदा नुकसान टक्कर तो होगी नुकसान वो तो हो ही गयो नहीं टक्कर को बना दे बिल्कुल ही और राज्य तो
राहुल कसवाणो टक्कर बन गई चुनाव ने रसा दियो बात है नी इया कोनी के सीधो को सीधो निकल जी बा बात करी। देवेंद्र धांजड़ियो छे खेल क्षेत्र में आपको नाम करियो, देश को नाम करियो, राजनीति में पहलो कदम कैसका आपा और थे बता रहे हो टक्कर को माहौल है। देवेंद्र झांझड़ियो राजनीति में कदम रखता है, टक्कर को माहौल क्या हो गया? थोड़ा देवेंद्र के पार्टी का बीजेपी का वोट आवा देवेंद्र राज्यवाद से खुशी राज्यवाद पर टक्कर है नहीं। कहने का मतलब पार्टी का पार्टी है बीजेपी मोदी फैक्टर चाल रहा है। हाँ मोदी फैक्टर है बात आई है। देवेंद्र झांझड़िया कोई असर को नहीं, बीजेपी का वोटर है, मोदी की लहर है, बिना कारण आ गयो। अब थोड़ा सो कारण हो गया राहुल कसवा इन्हें टक्कर बन गई, अन्य कैंडिडेट आ जा कोई टक्कर को नहीं होती। राम राम राम। पहली बात तो यहाँ कपड़ा क्या पहन रखा है? कपड़ा शादी का प्रोग्राम है। शादी का प्रोग्राम है। चुनाव के बारे में आप बातचीत करा था, चुनाव को के माहौल आप नजर आ रही युवा हो और दोनों कैंडिडेट युवा है, युवा की नजरों चुनाव ने कौन सी नजरों देख रहे होते हैं? युवा को एक ही कहना है, मतलब क्या युवा ने युवा नेता ही चाहिए और नेता दोनों युवा है और राहुल कसवा भी बढ़िया काम करो है पर जो को मजबूत कैंडिडेट है वो देवेंद्र झांझड़िया ही है। मजबूत कैंडिडेट है देवेंद्र झांझड़िया है। कारण भी है कि अपने देश को नाम रोशन करियो है और वो तो आपा नहीं दिखा कि एक हाथ को कैंडिडेट है पूरे देश को नाम रोशन कर सके तो वो अपने चूरू जिले को भी नाम रोशन कर सके। देश को नाम रोशन करे हुए खेल क्षेत्र में राजनीति में के प्रकार को कदम उठा सके देवेंद्र झांझड़ियो ताकि क्षेत्र के लिए विकास हो सके, क्षेत्र को नाम हो सके। शुरुआत युवाओं कर सीबो युवाओं और खेल के प्रति युवाओं को भी अब आप चूरू जिले में अपने प्रति ध्यान है अपने तो शुरुआत वो युवाओं ही कर सी जना देवेंद्र झांझड़ियो ही मजबूत कैंडिडेट है अपने तोटे। अच्छा देवेंद्र झांझड़ियो मजबूत कैंडिडेट बता रहे हो, क्षेत्र में किताब बोट रहा हूँ बाजी मार्च का देवेंद्र झांझड़ियो बाजी की कौन कह सका बन युवाओं की पसंदीदा है जबकि उम्मीद है देवेंद्र झांझड़िया पर ही है। देवेंद्र झांझड़िया पर है, क्षेत्र में के रिजल्ट देखने नहीं मिले आखिरी सवाल? रिजल्ट में तो बिन मजबूत कैंडिडेट ही माना और जीत को कोई कौन कह सका, राहुल कसवा भी कोई बीजेपी में वो जीता दिन बढ़िया काम करिया, दो बार वह जीतिया बहुत बढ़िया काम करिया बन यहाँ कौन कह सका काम कौन कराया, काम कराया बा बस बात इतनी है कि पार्टी चेंज कर ली कांग्रेस में आ गया वह और काम कराने को है देवेंद्र झांझड़िया ने मौको देना चाहिए आपा ने क्योंकि राहुल जी कसवा जगह दो बार आ चुकिया और काम भी अपन देखे है, नाराज को नहीं राहुल जी कसवा हूँ पर देवेंद्र झांझड़िया भी नाराज को नहीं। कहने का मतलब है देवेंद्र झांझड़िया नाराज को नहीं, क्षेत्र और राहुल कसवा नाराज को नहीं, विकास है जो राहुल कसवा को करवाड़ो और देवेंद्र झांझड़िया ने मौको देना चाहिए वही है युवाओं की युवा यही चाहते है। एक एक आखिरी सवाल, क्षेत्र में बाजी कौन मारो इफ एक सवाल? बाजी दोनों मजबूत कैंडिडेट है देखो कोई कौन कह सके मजबूत दोनों ही है, राहुल जी कसवा भी है और देवेंद्र झांझड़िया भी है। कहने का मतलब है क्षेत्र में टक्कर है, टक्कर में कौन भी बाजी मार सके, कौन भी मार सके बाजी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अर्चननाथ। अच्छा इन्हें देवेंद्र झांझड़िया को माहौल बता रहे हैं, राहुल कसवा को बता रहे हैं, आपा ने क्या लाग रहे हो माहौल क्षेत्र बराबर लगे दोनों हमारे गाँव में तो बराबर लगे गाँव में 150 किसी आगे ला रह सके ठाक ओपड़े सदा ही रह गए गाँव में बार सदा ही तो ही रहे हमारे फैसलो। अच्छा बराबर रहे सदा ही है 50-60-150 वोट की टक्कर है भाई अब्बे भाई रे। अच्छा क्षेत्र में की अगर आप बाजी की बात करा बाजी कौन मार सका कोई अनुमान? तो कायदों तो भाई देखो हिसाब तो बीजेपी है सत्ता है मोदी लार वोट पड़ रहे यार दिन मान सूल हुए तो कसो जीत जी बाकी बीजेपी का बता रहे हो बीजेपी आई सी सरकारी बीजेपी की आसी बीजेपी की सरकार आसी चूरू की यहाँ पर बात करा चूरू को ठा घोपड़े नहीं चूरू गोले में तोड़ा जाट को राजपूत को चुनाव है भरोसे को नहीं गद्दा किन लात मार जे माले गद्दा उठा गो किन लात मार जे। कहने का मतलब है घाट है। अच्छा घाट थोड़ा पक्ष कर लेने कसुएंगे जन कसु जीत जी। अच्छा कैंडिडेट तो दोनों ही जाट है दोनों यहाँ के हुआ तो वो बोलो रेड है जाट बिन जाने लोग बीजेपी का वोट बोलने लग रहे। अच्छा एक बात और आपा करा देवेंद्र झांझड़ियो पहली बार कदम रखे है राजनीति में मैं तो देवर को जाना मैं तो मोदी ने जाना। अच्छा मोदी ने जाना मैं तो मोदी ने देशों को तो मैं बिन झांझड़ियों की को जाना नहीं मारे वहाँ की कौन झांझड़ियो। अच्छा क्षेत्र में मोदी पर पड़ेगा या कांग्रेस संदेशा कसुआ ने समझ गया मार तो टक्कर है बीजेपी की कांग्रेस की है देखो इन कसुआ तो आगे कांग्रेस में झांझड़िया ने कोई को जाने झांझड़ियो एक लो आइड हुआ बिना पार्टी तो कोई वोट को जा सो ही आ बात। अच्छा झांझड़िया ने वोट पड़ेगा जगह के फर पड़ेगा मोदी पर पड़ेगा मोदी लहर है। अच्छा एक आखिरी सवाल और करना चाहो राहुल कसवा की टिकट सही काटी या गलत काटी? टिकट है तो राहुल कसुआ गलत है नहीं छोड़नी चाहिए पार्टी कसुआ गलत है पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए बिंगो दादो बट रहे हो दादी बट रही बिंगो बाप बट रहे हो वो आप दो वीरन जीत गयो आज टिकट नहीं दी बकूदरी ना गए और कांग्रेस वाला दे दी गलत है सिस्टम।
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गोविंद सिंह है। देवेंद्र झांझड़िया का माहौल बताओ, अपन के लाग रहे की को माहौल है? देखो बात आ है कि मैं राहुल कसुओ इतना दिन भारी हो, अब कांग्रेस पार्टी के प्रतिबंध में एक मोमडिन और हरिजन को थोड़ो बहुमत बने, जाट को कोई बहुमत को नहीं, जाट तो दोनों जाट है, इंगे बहुमत तो कसुओ थोड़ो टक्कर मास के बाकी जीत झांझड़िए की है। युवा जका लड़का है वह झांझड़िए की आशा करे, दिल्ली में मोदी है तो चूरू में देवेंद्र है। अच्छा तो युवा पर बता रहे हो, युवा देवेंद्र झांझड़िए की आस क्यों कर रहा है, के बने इसो मिलन आई? तो युवा आस ही प्रति कर रहे है, युवा जो है वो खेल के प्रति देवेंद्र झांझड़िए एक देश में चूरू जिले को नाम करियो है। अरे फिर मोदी की भी बात है, मोदी एक गरीब घर को लड़को देख कर बन टिकट दिए कि चूरू नहीं हो आगे बडास कहे, तो ई खतरे अगर चूरू जिले की किस्मत अच्छी है जब तो वोट झांझड़िए ने मिल सी चूरू जिलो आगे जीसी। अरे देखो जो झांझड़िए अगर चूरू जिले की किस्मत माड़ी है जना देखो कसों जीस के बन कसों की आशा को नहीं, कहने का मतलब कसों की आशा को नहीं देवेंद्र झांझड़िए का आशा है, आशा है। अच्छा एक बात और करना चाहूँ, क्षेत्र में बाजी कौन मारोगे? क्षेत्र में बाजी मारा साहब में तो सीटम में देवेंद्र झांझड़िए आ गए, देहात में टक्कर है बाजी तो झांझड़िए मारसी, झांझड़िए मारसी। अच्छा राहुल कसुआ है देखो टिकट कट के कांग्रेस में आ गया, शामिल हो गया बीजेपी में देवेंद्र झांझड़िए, खेल क्षेत्र में देवेंद्र झांझड़िए नाम कर रहे टक्कर, और राहुल कसुआ की 35 साल की राजनीति जमाईड़ी है, क्या टक्कर देसी की कौन सी हवा देवेंद्र झांझड़िए की चलेगी? देखो हवा आज साल सी के दोनों जाट है, जब 30 साल 35 साल आगे बता दो ही तो बीजेपी में हो बाप आगो बीजेपी में जीतेड़ो, ए दो बरिया जीत गया चूरू जिले बहुत इज्जत करी आंगी, एक दफे टिकट नहीं देना एक घर छोड़ के दूसरे घर जा के बैठ गया तो बात थोड़ी सी कोई वोट जुपन वाली आशा को नहीं आ बात है। अच्छा क्षेत्र में राहुल कसुआ कांग्रेस में जाना हो विरोध है क्षेत्र में? क्षेत्र में विरोध में थाने के अट्ठे जाति पड़ती हो थोड़ा असर है ही खतर वही तो चल है, बाकी क्षेत्र में तो बहुत असर हुआ है, पार्टी छोड़ना घर छोड़ के जावा तो कितनी इज्जत हुआ है भाई ऐसा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। नाम जी आप? दीनदयाल। अच्छा गांव में इस साइड है जगह राहुल कसुआ को माहौल बता रहे, इन्हें है देवेंद्र झांझड़िए को माहौल बता रहे, क्षेत्र में के अवैर की को माहौल आप नजर आ रहे, युवा हो और दोनों कैंडिडेट युवा है? देखो चुनाव टक्कर को है, गांव में भी टक्कर है और मजबूत स्थिति में वर्तमान में माँ राहुल कसुए लाग रहे, बात बाकी कोई क्लियर को नहीं कह भाई चुनाव एक तरफ है को नहीं, चुनाव टक्कर हुआ है, कहने का मतलब चुनाव टक्कर को है, टकरो टक्कर हुआ है, बहुत जबरदस्त टक्कर है चुनाव में। अच्छा राहुल कसुआ है जगह बीजेपी में कांग्रेस में आ गया और इन बीजेपी देवेंद्र झांझड़िए है पहली बार राजनीति में कदम रखे हुए, टक्कर को होने को के कारण हो उसका, अब की बार टक्कर को क्या हो चुनाव? देखो साहब मोदी फैक्टर है, राहुल जी कसुआ तो भी मोदी फैक्टर हो और अब झांझड़िए तो भी मोदी फैक्टर है, लेकिन वर्तमान स्थिति के माँ आ है कि भाई राहुल कसुओ कुछ हद तक मजबूत है और क्षेत्र में मोदी फैक्टर भी चला है। हाँ बिल्कुल मोदी फैक्टर तो चाल इसी, कहने का मतलब है मोदी फैक्टर है क्षेत्र में चुनाव है जो को टक्कर को नजर आ रही है, बढ़िया टक्कर को कांटे की टक्कर है चुनाव की, मैं खुद कांग्रेस को वोटर हूँ लेकिन फिर भी चुनाव में बढ़िया टक्कर है। टक्कर की बता रहे हो, चुनाव में कितना वोटों को आंकड़ों देखने मिला को रिजल्ट के दौरान? लगभग अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नतीजो जाए तो 50-40 हज़ार वोट उसे, और अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए तो वो 10-15 हज़ार को जीत को अंतर उसे, मतलब कहने का मतलब लाखा पर जीत को नहीं है? ना ना कोई प्रश्न नहीं है लाखा की जीत को, बहुत ही चुनाव कांटे की टक्कर को चुनाव।